अब बात करेंगे आसमान पर सब्जियों के दाम। देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। देखें रिपोर्ट। बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, सब्जियों के दामों ने पकड़ी रफ्तार। मध्यम वर्ग के लोगों के बहुत से बाहर सब्जियां, आवक में कमी होने के कारण कीमत में उछाल, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के रेट, गरीब की थाली महंगी, सब्जियों के बढ़े नखरे। सब्जियों के दाम इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया कि उन्हें भी सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। सब्जी की बिक्री भी कम हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। गरीब और मेहनत कश लोगों की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई। सब्जियों की तो बारिश और बाढ़ के कारण इसकी कीमतें आसमान छू रही है। ये सब्जी टमाटर पीछे से नहीं आ रहा है। टमाटर बहुत महंगा है। बारिशों में टमाटर महंगा हो जाता है। पीछे बारिश हो रही है बहुत। अभी बहुत मंदा था, ये एकदम बहुत महंगा हो गया। टमाटर एकदम मंडी में 40 रुपए किलो। सब्जियों के दाम अचानक रफ्तार पर हैं। प्याज टमाटर से लेकर हर सब्जी महंगी हो गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि सब्जियों के रेट में उछाल देखने को मिला, लेकिन इस समय सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। माना जा रहा है सब्जियों की आवक में कमी होने के कारण रेटों में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में सब्जी की कमी इस उछाल का मुख्य कारण है। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल आया। टमाटर महंगा होने से काम आधा हो गया। घाक जो एक केट ले आता है वो 10 किलो ले आ रही है, जो 10 किलो ले आता है वो 5 किलो ले आ रही है, जो 2 केट ले आता है वो एक केट ले आ रही है। काम पे पूरा आधा फर्क हो गया। बारिश ने भी सब्जी किसानों की कमर तोड़ दी है। जल भराव से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई, जिससे सब्जियों के दामों में उछाल आया। सब्जियों के दाम उछाल पर हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया। बता दें, पहले अगस्त में ही आलू का भाव करीब 12 रुपए प्रति किलो होता था। इस बार ये अभी से ही 30 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों के भाव प्रति किलो एक हफ्ते पहले और आज, टमाटर 40 रुपए से 60 से 70 रुपए, भिंडी 20 रुपए की थी 45 से 50 रुपए की हो गई, तुरई 20 रुपए की थी और अब 40 रुपए की है, करेला 15 रुपए का था अब 30 रुपए का हो गया है, गोभी 40 रुपए थी 70 से 80 रुपए हो गई है, शिमला मिर्च 60 रुपए की थी अब 80 रुपए की हो गई है, कद्दू 12 रुपए का था अब 20 रुपए का हो गया है, लौकी 16 रुपए की थी 30 रुपए की हो गई है, पालक 25 रुपए की थी और अब 40 रुपए की हो गई, बैगन 25 रुपए के थे 40 रुपए के हो गए, आलू 25 रुपए की थी अब 35 रुपए की हो गई, अरबी 20 रुपए की थी अब 30 रुपए की हो गई, हरी मिर्च 40 रुपए की थी और अब 60 रुपए की हो गई है, अदरक 50 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गई है, प्याज 14 रुपए का था और अब 25 रुपए का हो गया है। बहरहाल देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच आपको